नोमनक्लेचर की बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की, तो अमाइनो एसिड्स को हम बाकी सब कंपाउंड्स की तरह कॉमन या ट्रिवियल नेम भी दे सकते हैं या फिर आयुपैक नेम्स भी दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली अमूमन आमतौर पर इनके जो ट्रिवियल नेम्स हैं वो प्रिफर किए जाते हैं। एंड ट्रिवियल नेम्स के अंदर मोस्टली जो नाम है वो या तो उसके ओरिजिन को बताता है कि इसको हमने सबसे पहले कैसे डिस्कवर किया था, या उसकी कोई ख़ास प्रॉपर्टी होती है जो उसके नाम से जाहिर हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो ग्लाइसिन है, जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ये एक ग्रीक वर्ड ग्लाइकिस से निकला है, और ग्लाइकिस का मतलब है स्वीट, क्योंकि ग्लाइसिन भी स्वीट है। इसी तरह जो ट्रायोसिन है वो सबसे पहले चीज़ से आइसोलेट किया गया था। अब ग्रीक में ट्रायोस का मतलब होता है चीज़, तो वो चीज़ से पता लग गया। इसी तरह अब अगर हमने इनको नाम देना हो तो जो भी कॉमन नेम होता है उसके पहले तीन लेटर्स जो हैं उसकी एब्रिवेशन के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्लाइसिन है, अब ग्लाइसिन का GLY इसकी एब्रिविएशन है, या इसको हम GLY के तौर पे लिखते हैं। इसी तरह एलानिन है, इसका ALA जो है वो इसकी एब्रिविएशन है। तो हम इनके फार्मूलाज पहले देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। ग्लाइसिन है, इसकी नेचर न्यूट्रल है, एब्रिविएशन GLY है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो इस तरह है। फिर एलानिन है, उसकी सिंबल AL है, ALA है, वैलिन की एब्रिविएशन VAL है, प्रोलिन की PRO। फिर एस्पार्टिक एसिड जो है ये एसिडिक है, एसिडिक इसलिए है क्योंकि इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और इसकी जो एब्रिविएशन है वो ASP है। इसी तरह ग्लूटामिक एसिड है, GLA, इसमें भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं इसलिए इसकी नेचर एसिडिक है। लाइसिन की बात करेंगे तो लाइसिन बेसिक है एंड सिंपली क्योंकि इसके अंदर दो नाइट्रो ग्रुप्स हैं। हिस्टिडीन भी बेसिक है एंड हिस्टिडीन के अंदर भी दो हमारे नाइट्रो ग्रुप्स हैं। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रिकमेंड कीजिए।